बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भगवान का राम रहीम का अल्लाह ताला का नाम लेके बात को रखता हूँ। आज पवित्र रमजान के महीने रोजा इफ्तार पार्टी में बारह बलूतेदार मित्र मंडल की ओर से यहाँ पे आयोजन किया है। बारह बलूतेदार मित्र मंडल की तरफ से ये रोजा इफ्तार पार्टी संपन्न हो रही है। इस नेक और पाक और शुभ अवसर पर आप सभी जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग मौलाना साहब, बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बारला बलूतेदार निमंत्रण का, दावत नामे का रिस्पेक्ट करते यहाँ पे पधारे, इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मैं तहे दिल से हमारे बारला बलूतेदार मित्र मंडल की तरफ से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके सभी जितने भी अपने मालेगांव के गरीब के गरजमंद लोगों की जो खिदमत करने वाली जो भी अपनी संस्था है, विशेष करके सुनी जमेतुन उल्लेमा, रजा एकेडमी, कुल जमाती तंजीम के सभी सदस्य, सभी आदरणीय मौलाना जी, माजी आमदार महापौर सम्माननीय आसिफ जी शेख साहब, मेरे प्यारे दोस्त सबके चहीते सम्माननीय इजाज जी बेग साहब, बहुत बड़े सभी नगर सेवक, सभी पिता समान बुजुर्ग, सभी प्यारे दोस्त युवा यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस काम में साथ देने के, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने मेरे को सहयोग दिया, हमारे बारह बलूतेदार के अध्यक्ष कमलाकर पवार, मेरे प्यारे दोस्त जाबिर भाई, शफीक जी आंटी साहेब सभी, और विशेष करके सुरेश जी झालटे साहेब, पांडुभा पाटिल सभी मेरे प्यारे दोस्त और सहकारी। अपना देश ये सूफी संतों का देश है। इस देश में एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो, एक दूसरे को प्यार बांटो, ये अपने देश की सभ्यता है। भाईचारा बनाए रखो, ये अपने देश की संस्कृति है, चाली रीति है। इस संस्कृति को, भाईचारे को, मालेगांव में सुख शांति को और प्यार मोहब्बत बढ़ाने के वास्ते इस हेतु से यह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन मैं जब तुम्हारे और ये मालेगांव की आवाम के, किसानों के आशीर्वाद से मालेगांव की मार्केट कमेटी में चुन के आया, 45 साल में कभी किसी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया। जब मैं यहाँ का कारोबार संभाला तो मैंने इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम का एक नया पैंडा अपने मालेगांव में चालू किया। मैं जब तक 6 साल था तब तक 5 साल यही मेरे मार्केट के सभी बागमार कंपनी, सब फ्रूट मार्केट के व्यापारी है, हम सब मिलके ऐसे ही उत्साह में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे। बाद में मेरे चले जाने के बाद मैं, बाबू भाई सिंगानिया, जावेद भाई, रमजान भाई, हम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्कूल पे यही पार्टी का आयोजन करते थे। बाद में 2 साल कोरोना का माहौल आया, ये पार्टी थोड़ी सी तवकुफ की। फिर इस साल इतना बड़ा आयोजन करने का हेतु ये कि मेरी बेटी की शादी में जो रमजानपुरा में थोड़ा सा आग का हसला हुआ, जो हादसा हुआ, उस हादसे में उनकी खिदमत के लिए मैंने थोड़ी सी ऊपर वाले के आशीर्वाद से मदद कर दी, और वो मदद का नतीजा ऐसा हुआ, कोरोना के दौर में मैंने राम रहीम का हॉस्पिटल हमने सबने निकाला, जो कोरोना की जो सामाजिक काम थे वो सभी दोनों एरिया में किए, इज्तिमाई शादी में सहभागी हुआ। तो मेरी जितने मैंने 10% का 10 रुपए का काम किया होगा, लेकिन सामने बैठे मेरी मालेगांव की आवाम ने मुझे 100 रुपए का बहुत, उससे 10 पर ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, और उससे मेरी झोली भी भर गई और मेरा दिल भी भर गया। इसकी नोंद लेते हुए इस साल इस बड़े इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। जो प्यार मुझे मालेगांव की आवाम ने दिया, उस प्यार की वजह से ही अपनी मालेगांव की बहुत बड़ी सभ्यता है, सभी भाईचारा बन के एक रहते हैं। अभी यह देवी का जो रथ जुलूस निकला, उस जुलूस में भी मालेगांव के जितने भी मेरे मौलाना साहब है, जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी युवा है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो देवी के रथ पे फूल बरसा के मालेगांव को, वो कोई गालबोट लगाना चाहते थे, गालबोट लगने वाला था,
उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। सभी आवाम ने बहुत अच्छे से अपने मालेगांव की जो शांतता है, भाईचारा है, उसको कायम किया। ये बहुत सूझबूझ का काम मेरे मालेगांव के आवाम ने, सभी मौलाना भाइयों ने, सभी पॉलिटिशियन ने, सभी ने किया। इसीलिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही सूझबूझ के साथ अपन काम करते रहेंगे, अपने मालेगांव का भाईचारा ऐसे ही बनाते, अनेकता में एकता बनाते रहेंगे। यही बात मैं इस इफ्तार पार्टी के टाइम पे कहता हूँ। और समय का समय देखते हुए बात मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपने देश में हिंदू भाइयों के जितने भी त्यौहार है, मुस्लिम भाइयों के जितने भी त्यौहार है, उसमें बहुत बड़ी समानता है। श्रावण महीने में महीने के उपवास रखते हैं, रमजान में महीने के उपवास रखते हैं, दिवाली में सब घरों में सब छोटे बड़े को नया करते हैं, मिठाई रहते, मेहमानबाजी करते हैं, रमजान में वही रिवाज है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, रईस सितारा दादा, मैं बोलूं क्या तुम बोलेंगे? रशीद साहब भाई, मैं यहाँ पे मेरे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई, पिता समान रशीद जी शेख साहब यहाँ पे पधारे हैं। मैं बारा बलोतीदार मित्र मंडल की तरफ से उनका तहे दिल से सर्ष स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करता हूँ।